hello and welcome to spmis academy today we will analyze important newspaper articles of 14th february 2023 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper the first article is about turkish exercise and this topic is important from our syllabus gs paper to international relations point of view क्या है तर्कस एक्सरसाइज पहले वो ज़रा देखते हैं तो एक ज्वाइंट ड्रिल है बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एन ऑफ इंडिया एंड यू स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस तो हमारे देश की एन और यू स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में एक ज्वाइंट ड्रिल कंडक्ट कराई गई है हाल फिलहाल में इन चेन्नई एंड दिस वॉज सिक्सथ एडिशन ऑफ दिस जॉइंट एक्सरसाइज तर्कस लेकिन ये जो छठा एडिशन था तर्कस ज्वाइंट एक्सरसाइज का दैट वॉज हेल्ड इन चेन्नई इसमें खास बात ये की गई कि फॉर द फर्स्ट टाइम द एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्लूडेड केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रेस्पॉन्स तो देखिए ज्वाइंट ड्रिल्स में या मिलिट्री एक्सरसाइज में होता क्या है ये प्रैक्टिस की जाती है दो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस या इस्टबलिशमेंट्स मिलकर के प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि अगर इस तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो उसमें वो कैसे उसको टैकल करें या डील करें तो इस बार का जो तर्कस एक्सरसाइज कराया गया है एन और जी यू स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज के बीच में इस बार पहली बार हमने केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टेरर के केस में हम कैसे रिस्पोंड करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस की है इजरिस्ट एंड रेस्क्यू दी एक्टिवेट दल वेपन बींगड आउट बाई दिस्ट तो जरा बात करते हैं केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन के बारे में शॉर्ट में हम लोग कह रहे हैं सीबीआरएन वेपन दीबीआरएन वेपन आर क्लासीफाइड एज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सी बी आर एन वेपन्स अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं कई दफा टेरिस्ट ऑर्गनाइजेंस ने इनका इस्तेमाल किया है हाल फिलहाल में सी बी आर एन वेपन्स न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ सरीन गैस दैट वॉज डन इन टू थाउजेंड सेवेंटीन इन सीरिया देखिए हुआ दो हज़ार सत्रह में इस सरीन गैस का इस्तेमाल था सीरिया में क्या चल रहा है आई होप आपको पता ही होगा अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तो अरब स्प्रिंग की हिस्ट्री आपको पता है मैंने कराया है और दैट अरब स्प्रिंग अल्टीमेटली कलमिनेटेड इन टू इंटरनल सिविल वॉर इन सीरिया बिटवीन द फ्री सीरियन आर्मी विच इज़ द प्रोटेस्टर्स साइड अगेंस्ट द बसर अल असाद गवर्नमेंट तो ये जो इंटरनल सिविल वॉर है सीरिया का वो तो अब रीजनल प्रॉक्सी वॉर बन चुका है बिटवीन मैनी मेजर पावर्स उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे तो पिछले दस सालों से आप मान सकते हैं कि सीरिया के अंदर ये सिविल वॉर चल रही है और 2017 में इस सिविल वॉर के दौरान वहाँ पे सरीन गैस जो एक तरीके का केमिकल वेपन है उसका इस्तेमाल किया गया दैट लीड टू डेथ ऑफ अबाउट हंड्रेड पीपल तो तब से ये लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि आखिर इसका इस्तेमाल इस सरीन गैस एक केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया किसने है हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट निकल कर के आई जिसके हिसाब से द सरीन गैस दैट इज़ अ केमिकल वेपन वाज यूज्ड बाय बसर अल अलाद दैट इज़ द गवर्नमेंट फोर्सेस अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स ग्रुप द यूज ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर वेपन का सबसे करंट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दो हजार सत्रह में सरीन गैस का इस्तेमाल इन सीरिया तो देर हैव बिन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स टू प्रिवेंट सच वेपन्स टू बी यूज देखिए इस तरह के केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि दे लीड टू इनडिसक्रिमिनेटेड डैमेज जब भी कोई वॉर हो रहा है या कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो दोनों साइड से जो वॉरिंग ग्रुप हैं जो फाइट करने वाले ग्रुप हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होना चाहिए ना बट इस तरह के बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स का मास डिस्ट्रक्शन होता है जिस पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उस उनका भी डैमेज काफ़ी ज़्यादा होता है तो जिसको हम लोग कोलेट्रल डैमेज कहते हैं तो कोलेट्रल डैमेज आर क्वाइट हाई और इसको अवॉइड करने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन को डैमेज को अवॉइड करने के लिए देर हैव बीन अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स To prevent such uses of weapons of mass destruction, for example, Geneva Protocol of 1925 that bans the use of chemical and biological weapons, Biological Weapon Convention of 1972 and Chemical Weapon Convention of 1992. India is signatory to both of these treaties. Australian Group, a international group, hai, amongst uh, th I think 43 countries. जिन्होंने आपस में ये आ, एक अग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि दे विल नॉट सोर्स और दे विल नॉट पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन टेक्नोलॉजी टू तो एनी कंट्री आउटसाइड दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को इंडिया ने ज्वाइन किया 2018 में इस टॉपिक के बेसिस पे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मार्बर्ग वायरस डिजीज एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जी एस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट करेंट न्यूज देखते हैं देखिए डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से एज पर रिपोर्ट रिलीज बाई डब्ल्यू एच ओ इक्विटोरियल गिनी एक छोटा सा वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है इक्वटोरियल गेनी इज फेसिंग अ फर्स्ट मेजर आउटब्रेक ऑफ मार्बर्ग डिजीज़ तो मार्बर्ग डिजीज़ का आउटब्रेक विटोरियल गिनी में देखा जा रहा है मार्बर्ट मारबर्ग डिजीज है क्या इट्स अ वायरल डिजीज़ एंड ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज़ तो जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो किसी एनिमल से स्टार्ट होते हैं उनके जो मेन पैथोजन होते हैं दे आर स्टोर्ड और इन टू यानी एनिमल और वहाँ से वो इंसानों में ट्रांसफर होते हैं तो ऐसे डिजीज़ को कहा जाता है जूनोटिक डिजीज़ तो मारबर्ग वायरस डिजीज इज़ अ जूनोटिक डिजीज़ दैट इज एन एनिमल बॉन्ड आर एन ए वायरस डिजीज़ इट इज़ क्लिनिकली वेरी मच सिमिलर टू इबोला इबोला भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में आउटब्रेक हुआ था यहाँ मारबर्क वायरस डिजीज़ का भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही आउट आउटब्रेक हुआ है खासकर इक्वेटोरियल गेनी में इट इज़ रेयर देखिए ये डिजीज़ बहुत रेयरली फैलता है बट कॉज सीवियर हेमोहरिक फीवर हेमोहरिक फीवर मतलब इंटरनल ब्लीडिंग के कारण होने वाला फीवर एंड इट अफेक्ट्स बोथ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स एंड रिजरवायर होस्ट ऑफ दिस मार्बर डिजीज इज एफ्रिकन फ्रूट बैट तो मार्बर इज अ बेसिकली वायरल डिजीज कॉजिंग इंटरनल ब्लीडिंग दैट इज हेमोहरिक प्रॉब्लम्स एंड दैट लीड्स टू फीवर एज वेल फर्टिलिटी की बात की जाए तो इसकी फर्टिलिटी काफी हाई है मच मोर देन दैट व सीन ड्यूरिंग कोविड फर्टिलिटी समवेयर क्लोज टू फिफ्टी परसेंट तो आधे लोग लगभग मर जाते हैं जो इसके शिकार होते हैं इस बीमारी के एंड दे इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ मार्बर वायरल डिजीज ऑल्सो हाँ थोड़ी बहुत सपोर्टिव थेरेपी जरूर है ठीक वैसे ही इसे कोविड में था सप्लीमेंटल ऑक्सीजन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट इन सबसे सर्वाइवल रेट्स बढ़ सकते हैं लेकिन डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है मार्कबर्क वायरल डिजीज़ का मार्गबर्क वायरल डिजीज है जैसा कि मैंने आपको बताया इट लीड्स टू वायरल हेमोहोरिक फीवर हेमोहोरिक फीवर अफेक्ट्स मैनी ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इट डैमेजेज इंटायर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रिड्यूसेस द बॉडीज एबिलिटी टू फंक्शन ऑन इट्स ओन तो हेमोहरिक डिजीज़ या वायरल हेमोहारिक फीवर्स होते क्या हैं इट इज़ अ मेडिकल टर्म फॉर इंटरनल ब्लीडिंग तो बॉडी ऑर्गन्स के अंदर ब्लीडिंग अगर शुरू हो जाए उस कारण से अगर हमारे बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर दें सो दैट इज नोन एज हेमोहरिक ब्लीडिंग या हेमोरिक फीवर्स हेमोरिक डिजीज आर कॉज्ड बाय ब्लीडिंग और दे रिजल्ट इन ब्लीडिंग और हेमोहरिकिंग इस टॉपिक के विशेष पर ये फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज़ अटम्प दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट फॉर एवर केमिकल्स दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेलेबस जी पेपर थ्री इन्वयरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एवर केमिकल्स देखिए ऐसे केमिकल्स जो जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं जो लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में बने रहते हैं और जिससे पॉल्यूशन या टॉक्सिसिटी हमारे सराउंडिंग में बढ़ सकता है उनको कहा जाता है फॉर केमिकल्स उसका एग्जाम्पल है पर पॉली फ्लोरोल्काइल सब्सटांस पी जिसको शॉर्ट में कहेंगे पर पॉली फ्लोरोल्का्काइल सब्सटेंस पी ये जो पी है जिसको हम लोग जिसको कॉमन नेम फॉर एवर केमिकल्स दिया हुआ है दे आर मैन मेड केमिकल्स यूज टू मेक सेवरल प्रोडक्ट्स जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक कॉस्मेटिक्स फायर फाइटिंग फॉर्म्स तो बेसिकली ऐसे कपड़े ऐसी चीजें जो नॉन ग्रीस ग्रीस रेजिस्टेंट प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है फॉर केमिकल्स का ऐसे कपड़े देखिए जो रेनफॉल के टाइम में पहना जाता है जो वाटर रेपेलेंट होते हैं या फिर फायर फाइटिंग फोम ऑल सच थिंग्स आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल नोन एज पी एफ ए जिसको कॉमन नेम है फॉर एवर केमिकल्स इनको फॉरवर केमिकल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे कैन माइग्रेट टू सॉयल वाटर एंड एयर ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड यूज़ एंड दे डो नॉट ब्रेक डाउन सो ईजली

बायो एक्यूमलेसन और, और बायो मैग्निफिकेशन के बीच का अंतर जरा यहीं समझ लेते हैं मैंने बताया कि पी हमारे बॉडी में धीरे धीरे सराउंडिंग से एंटर करते हैं दैट लीड्स टू बायो एक्यूमिलेशन तो बायो एक्यूमलेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज़ मोर देन इट्स एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में अगर हार्मफुल केमिकल्स आ रही हैं तो धीरे धीरे वो एक्सक्रीट भी तो होती हैं लेकिन अगर इंटेक ज़्यादा है एक्सक्रीसन का रेट कम है तो उस केस में टॉक्सिक केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बिल्डअप होने लगेंगी और इस प्रोसेस को कहा जाता है बायो एक्यूमिलेशन लेकिन इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा अलग है बायो मैग्निफिकेशन का बायो मैग्निफिकेशन में होता क्या है कि जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो सप्लाई चेन या फूड सप्लाई चेन के कारण या ट्रॉफिक लेवल के कारण हाइयर लेवल पे जो स्पीसीज होते हैं उसके अंदर वो टॉक्सिक केमिकल का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल यू सी इसके अंदर क्रुस्टेशंस के अंदर कंसनट्रेशन कम होगा टॉक्सिक केमिकल का उससे ज़्यादा फिशेस के अंदर होगा उससे ज़्यादा फिर लार्जर फिशेस में होगा सबसे ज़्यादा फिर आ, सील्स के अंदर वो ज़्यादा होगा फिर पोलर बियर में और भी ज़्यादा होगा क्यों क्योंकि ये पोलर बियर सप्लाई चेन में फूड चेन में सबसे ऊपर है ट्रॉपिक लेवल में हाइयर साइड में है तो ट्रॉफ़िक लेवल में हाइयर साइड पे होने के कारण अगर टॉक्सिक केमिकल्स का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होता है किसी स्पीसीज में तो उस फिनोमिना को कहा जाता है बायो मैग्नीफिकेशन जबकि इंटेक इज हाइयर देन एक्सक्रीशन इस कारण से अगर टॉक्सिक केमिकल हमारे बॉडी में ज़्यादा बिल्ड हो रहा है तो उसको कहा जाता है बायो एक्यूमलेसन तो ये जो फॉर एवर केमिकल्स हैं उनका हमारे बॉडी के अंदर बायो अक्यूमलेशन होता है बिकॉज ऑफ इंटेक ऑफ हार्मफुल केमिकल्स मोर दैन एक्सक्रीशन। अभी ये फॉर केमिकल्स के इस्तेमाल या फिर उसका स्प्रेड उस को रोकने के लिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी लाया गया है जिसका नाम है स्टॉक होम कन्वेंसन तो दीज पी एफ एज आर लिस्टेड इन स्टॉक होम कन्वेंसन क्या है स्टॉक होम कन्वेंसन वो जरा देखते हैं इट इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्राम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पी ओ पी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ईजीली डिस इंटिग्रेट नहीं होते हैं तो बारह तरह के परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके इस्तेमाल या प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है स्टॉक होम कन्वेंसन उनमें से एक है ये पी एफ ए जिसको हम लोग फॉर एवर केमिकल कह रहे हैं दिस पी ओ पीज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स और केमिकल्स दैट रिमेन इंटैक्ट इन एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया रेटिफाइड स्टॉक होम कन्वेंसन इन टू थाउजेंड सिक्स गोल क्या है इस फिगर से आप आराम से समझ पाएंगे स्टॉक होम कन्वेंसन का मेन गोल है कि ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जिसमें से एक तरह का परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है ये पी एफ ए या जिसको हम लोग कॉमन नेम कह रहे हैं फॉर केमिकल इन सब की हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर इसकी कंसनट्रेशन को ओवर पीरियड ऑफ टाइम घटाई जाए दैट इज़ द पर्पज ऑफ स्टॉक होम कन्वेंसन अब करेंट पे आते हैं तो देखिए हाल फिलहाल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी के दौरान बताया है कि जो नॉर्वेजियन नॉर्वे के आसपास का जो आर्कटिक आइस है स्पेशली अराउंड द स तो सालबार्ड वाला जो एरिया है उसके आसपास का जो आर्कटिक आइस है वहां पे ये फॉर केमिकल्स दैट इज पी का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड दैट इज हाउ द एरिया हैज बिकम टॉक्सिक बिकॉज ऑफ एक्सेसिवली हाई कंसेंट्रेशन ऑफ दिस फॉर केमिकल्स इस टॉपिक के वैसे पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन दैनिक इज अबाउट इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च आई सी एच आर दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम फिल्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेन्नस में मुझे नहीं लगता इसका डायरेक्ट सवाल आना चाहिए क्या है आई सी एच आर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है नाइनटीन सेवेंटी टू में बनाया गया था एज ए रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इसके लिए कोई कानून नहीं है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको बनाया गया है आई सी एच आर को इट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको ग्रांट भी मिलता है आई को ग्रांट मिलता है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आई का जो मेन ऑफिस है वो दिल्ली में है लेकिन इसके रीजनल सेंटर्स पुणे में बैंगलोर में और गुवाहाटी में है तो हमारे आसाम में भी आई सी का एक रीजनल सेंटर है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च करता क्या ये इसका मेन काम है हिस्टोरिकल राइटिंग्स में साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना तो दुनिया के अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाता है कोलैबोरेशन प्रमोट कराता है ताकि जो हिस्टोरिकल राइटिंग है उसमें ज़्यादा ज़्यादा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग या अप्रोच को डेवलप किया जाए अभी हाल फिलहाल में आई न्यूज़ में क्यों था क्योंकि लोकसभा में इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ गए सरकार के ऊपर लगातार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि सरकार हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रही है जानबूझ करके हिस्ट्री को ऐसे आ, ऐसे फैक्ट्स भी ला रही है या लिख रही है किताबों में जो अनसब्स्टैंसिएटेड हैं प्रूवन नहीं है तो उस पर फिर जवाब देते हुए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि आई सी एच आर इज़ नॉट री राइटिंग हिस्ट्री ओनली फिलिंग द गैप्स मतलब हम कुछ नया या अलग नहीं लिख रहे हैं खाली वैसी चीज़ें जहाँ पे ठीक तरीके से लिखी नहीं गई हैं हिस्ट्री में उन बातों को लिख रहे हैं तो बेसिकली अपने डिफेंस में ये बात कही है अब ये जो डिबेट है कि आई का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आई की मदद से सरकार हिस्ट्री को ट्विस्ट कर रही है डिस्टॉर्ट कर रही है ये सब क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ मुझे लगता है कि जब इतनी बात हो रही है आई पे तो हो सकता है प्रॉब्लम्स में आपसे सवाल ये पूछ ले कि आई है क्या स्टैचुट्री बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी ऐसा कुछ सवाल पूछ ले आपसे द लास्ट टॉपिक इज अबाउट प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिल्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इज़ हाइएस्ट ऑनर दैट इज बिस्टोर्ड अपॉन एनी सिक्योरिटी फोर्सेज इन द कंट्री एंड दिस प्रेसिडेंट कलर अवार्ड इज गिवेन इन रिकोगनीशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस गिवन बाई सिक्योरिटी फोर्सेज टू गॉड्स द नेशन चाहे वो पीस में हो या वॉर कंडीशन में हो कैसे भी हो एक्सेप्शनल सर्विसेज बाय द सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए यह प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया जाता है इसको हिंदी में राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं Indian Navy was the first of the Indian Armed Forces to be awarded with प्रेसिडेंट कलर Award on 27th May 1951. नाइनटीन न्यूज़ ये निकल कर के आ रही है कि हरियाणा पुलिस को भारत सरकार ने प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है हाल फिलहाल में अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ए पी एस एग्जाम परस्पेक्टिव से वो मैं बता रहा हूँ आपको रटना होगा क्योंकि पिछले साल ए पी एस सी परस्पेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था पिछले साल आसाम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया था अभी हाल फिलहाल में हरियाणा पुलिस को दिया गया है अभी ए में कहीं ऐसा सवाल आ गया कि विच आर द फॉलोइंग स्टेट पुलिस फोर्स वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विथ प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि आसाम सीधा सीधा मत कर देना अब आंसर होगा हरियाणा ठीक है तो ए पी में आने वाले फिल्म में ऐसे सवाल बन सकते हैं याद रखिएगा पिछले साल अपने स्टेट पुलिस को मिला था आसाम पुलिस को इस साल अभी किसको दे दिया गया है हरियाणा पुलिस को कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आंसर देख लेते हैं विच आर दफाइन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट अबाउट दयानंद सरस्वती आंसर वुड बी ही वॉज फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज क्योंकि ही वॉज नॉट राजा राम मोहन रॉय वॉज यूपीआई वन टू थ्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च न्यू यूपीआई नो दिस इज रॉन्ग हैज बीन लॉन्च बाई आरबीआई एंड प्रिपेयर्ड बाई एन पी सी आई इट इज ए थ्री स्टेप ऑफलाइन मेथड टू इनिशिएट एंड एक्जीक्यूट ट्रांजेक्शन दैट विल वर्क ऑन सिंपल फीचर फोन दैट इज करेक्ट Which of the following statements are not true about status of governor of a state in India? Office of governor of a state is not an employment under central government. You know that. statement That's all from our side for today. Thanks for watching.